देखिए, साधुओं की हत्या के बाद अब महाराष्ट्र में सियासत भी शुरू हो गई है। पालघर में साधुओं की हत्या पर खामोश रहने वाली शिवसेना को बीजेपी पर पलटवार करने का मौका मिल गया है। उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने कहा है कि सरकार दोषियों पर सख्त कार्रवाई करे। हम किस राज्य में रह रहे हैं, हम किस सरकार में हैं? ये सरकार एक तरफ कहती है कि हम हिंदूवादी हैं, हम हिंदुओं के संरक्षक हैं, और एक तरफ सांगली में हमारे संतों की भूमि पर साधुओं की पिटाई का मामला सामने आता है। कितने भाजपा के नेता वहां जाएंगे, कितने भाजपा के एमएलए वहां जाएंगे? देखिए, जब हमारी सरकार थी तब आरोप लगाना बहुत आसान होता था कि यह सरकार हिंदू विरोधी है, संतों की विरोधी है, साधुओं की विरोधी है। अब विपक्ष के कुछ नेता खैर इस पर बोल रहे हैं, जरूर बोले, पर बोलने के पहले अपने दिल से पूछे, अपने जहन से पूछे, क्या उन्हें इस विषय पर बात रखने का नैतिक अधिकार है? वे नैतिक अधिकार खो चुके हैं। जब पालघर में साधु हत्याकांड में हमारे साधुओं की निर्ममता से, बर्बरता से हत्या हुई, उनकी चीख, उनकी दर्द भरी किलकारियां क्या उद्धव ठाकरे ने सुनी? क्या शरद पवार ने सुनी? क्या राहुल गांधी ने अपने कान में कपास के बोले डाल के रखे थे? क्या हुआ था उस समय? उस समय इन्होंने कुछ नहीं कहा। देश के साधु संत सड़कों पर उतरे, सारे अखाड़ों ने मांग की कि मामला सीबीआई को दिया जाए। उस समय पेंगुइन सेना समेत सारे के सारे खामोश थे, तो उनको साधु संतों के प्रति बोलने का नैतिक अधिकार क्या है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।